गर्मा गर्म तंदूर चल रहा है धरती वाला, और धरती के सीने से निकल रहा है हमारे गर्मा गर्म परांठे भाई साहब। ये लो जी, आ गया आलू का परांठा, ये है शॉट आपका। तो ये भीड़ का कारण ये है कि हाँ मुझे लगता है सोना चांदी पिघाल के डालते इसमें। और ये कितने किलो का परांठा बनाने जा रहे हो आप? ये बस ये लो जी, गया तंदूर के अंदर। तो एक मिनट में कितने परांठे लगा लेते हो आप? और लोग तो आपको मत्था भी नहीं टेकने देते, धूप भी नहीं जाने देते, उससे पहले भीड़ लग जाती है आपके पास। पाजी मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ छेद कर रखा है तंदूर के, ये किस चीज के लिए? 10 किलो सब्जी, क्या बात। घर में परांठे नहीं मिलते यहाँ पर खाने के लिए आए हैं, तो भाभी जी के हाथ के परांठे पसंद नहीं आपको? हाँ जी दोस्तों, ढाबों की वेब सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको चंडीगढ़ के एक ऐसे हिडन ढाबे में लेके आया हूँ जहाँ धरती के अंदर से निकलते गर्मा गर्म विदाउट ऑयल हेल्दी परांठे। भाई साहब ये ढाबा आपने इससे पहले शायद ही कभी देखा होगा, और सोशल मीडिया में मैं आपको ये पहली बार दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करो, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, वीडियो में बहुत मजा आने वाला। आओ फिर चलते अंडरग्राउंड ढाबे पर जहाँ निकलते हैं जबरदस्त ऑयल फ्री ताकतवर परांठे। हाँ जी नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, नमस्कार। बढ़िया, सबसे पहले नाम बताइए, आपका नाम क्या है जी? श्री देवन मंडल है ये। क्या बात है। और ये ढाबा बताइए जी, ये कब से चला रहे हैं आप ये बैठक वाला ढाबा? ये ढाबा तो बहुत कम देखने को मिलते हैं इंडिया में। ढाबा तो बहुत पुराना है भाई। बहुत पुराना है? हाँ जी। कितने साल हो गए फिर भी इसको? हो गया 25 साल से। तो ये तंदूर में अभी भी आप, ये जो समय चल रहा है तंदूर में आप खाना बना रहे हैं? हाँ जी। क्यों ये बताइए? ये तंदूर पर लकड़ पर खाना बढ़िया बनता है, स्वाद बनता है ना। हाँ जी। अच्छा मंडल भाई, ये दीवानापन कब फैलाया आपने परांठों का? कितने सालों से लोग खा रहे हैं परांठे आपके हाथ के? परोठे हमारे यहाँ से साल 20-25 साल से खा रहे हैं। 20-25 साल से खा रहे हैं, क्या बात है। और ये विदाउट ऑयल बनाते हैं परांठे? हाँ जी, हाँ जी। विदाउट, पहले नहीं लगाते तेल? नहीं, तेल नहीं पहले नहीं लगाते सर, बटर बाद में लगाते हैं। बाद में लगाते हैं। और ये कितने किलो का परांठा बनाने जा रहे हैं आप? ये बस 400 ग्राम का होता है। 400 ग्राम का, भाई साहब। ये लो जी, गया तंदूर के अंदर। हाँ जी। तो परांठे खा खा के लोग थक गए? हाँ जी थक गए जी। नहीं कि आप खिला खिला के थक गए, ये बताओ पहले। मैं खिला खिला के थक गए। आप खिला खिला के थक गए पर लोग नहीं थक रहे हैं ना। और तंदूर वाले परांठे को तो अलग ही स्वाद आता है, बहुत बेस्ट होते भाई। तो कितने मिनट में लगा लेते हैं? एक मिनट में कितने परांठे लगा लेते हैं? लगा लेते 10-15 परांठे लगा लेते हैं। 10-15 परांठे लगा लेते हैं ना, खाने वाले को पड़े। तो किस किस टाइप के परांठे मिलते हैं मुझे प्रकार बता दो, कौन से प्रकार के बनाते हैं? प्याज के होते हैं, प्याज के भी होते हैं। अच्छा जी। और गोभी के भी होते हैं? गोभी के भी बनाते हैं। सबसे ज्यादा लोग किस चीज के पसंद करते हैं? आलू प्याज के ज्यादा पसंद करते हैं। आलू प्याज के पसंद करते हैं, क्या बात है। और लोग तो आपको मत्था भी नहीं टेकने देते, धूप भी नहीं जाने देते, उससे पहले भीड़ लग जाती है आपके पास, है क्या बात है भाई साहब। ये लो जी, गर्मा गर्म तंदूर चल रहा है धरती वाला, और धरती के सीने से निकल रहा है हमारे गर्मा गर्म परांठे भाई साहब। ये लो जी, आ गया आलू का परांठा, ये है शॉट आपका। ये देखो साइज, देख लो परांठे का। तो ये मुझे पहले लग रहा था ये भीड़ का कारण ये है कि हाँ मुझे लगता सोना चांदी पिघाल के डालते इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ये स्वाद है आपके हाथों का, और तंदूर का भी तो स्वाद होगा। बहुत आपके हाथों का तो स्वाद है, तंदूर का भी स्वाद है ना। तंदूर का बेस्ट ही बनता है, बेस्ट टेस्टी बनता है ना, और बेस्ट बनता है। और ये तवा तो आपने दिखाने के लिए रखा हुआ? इसे ढकने के लिए रखा। अच्छा, ढकने के लिए। और इसके साथ क्या देते हैं? ये नीचे का रखा छुपा दिया आपने, बता दो। इसमें दाल है, सब्जी है। ये देखो जी, दाल दिखा दो बारी। ये सब्जी किस चीज की जी? तोरी का है। तोरी की सब्जी? हाँ जी। दीवाना बना दिया। ये दाल है, ये दाल आ गई, माछोले की दाल है जी। हाँ जी। क्या बात है, मिक्स दाल है। ये दिखाना जी क्या चीज है इसमें, कछुआ रखा है। सर चावल है। ये चावल आ गए, ये चावल है सर। चावल कौन से यूज करते हैं जी? हम चावल बासमती टुकड़ा है सर। बासमती के चावल दे रहे हैं 50 रुपए में? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है। और ये जो परांठे की प्लेट लगाते हैं आप? हाँ जी। तो इसमें क्या क्या मिलता है खाने के लिए? दाल लेते हैं, जो सब्जी खाना सब्जी ले लेते हैं। अच्छा जी। जो पसंद है उसको जो खाने का मतलब दाल। और बटर की टिक्की देते हैं या बटर सिर्फ लगा के देते हैं? लगाते सर, है बटर लगा देते, टिक्की नहीं देते बटर की। अच्छा जी। वो प्लेट कितनी रहती है परांठे की? 2 परोठे होते 50 का। 2 परोठे 50 के, क्या बात है भाई। अच्छा मंडल भाई ये बताइए कि आप जो तवे वाला परांठा बना रहे हैं वो तो बेल के बना रहे थे? हाँ जी, ये बेल के बना। और वो विदाउट बेले बनाते हैं, उसको भी तो बेल दिया करो। नहीं, उसको नहीं बेलते आप तंदूर वाले? देख लो एकदम, आपने तो विदाउट बेलने के आपने पूरा स्क्वायर बना रखा है। क्या बात है भाई साहब। परांठों का साइज देख लो एक बार, आप परांठों का साइज आप शुरू से ही इतना बड़ा बनाते हैं? शुरू से ही बना रहे इतना बड़ा। और कौन कौन आते हैं आपके पास यहाँ परांठे खाने के लिए? सब आते हैं, वो ये सारे बंदे आते हैं, डॉक्टर आते हैं अंदर, वो बंदे सारे जितना है सब आते हैं, खाने में नहीं कमी। जो बंदे डॉक्टरों का नाम हमने पहले ले लिया, डॉक्टर का नाम की पहले लिया, डॉक्टर स्पेशल आते हैं पर खाने के लिए? सारे बंदे आते खा लेते हैं, सारे जितने 4-5 सारे डॉक्टर आते हैं। सारे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर दीवाने कर रखे हैं जी, परोठे। हाँ जी, हाँ जी। तो सुबह का नाश्ता यहाँ पर डॉक्टर लोग आते हैं आपके पास खाने के लिए? हाँ जी, चाय परोठे नाश्ता करने आते हैं। चाय परांठे, देसी खाना दे रहे हैं आप? हाँ जी सर। ये लो जी, प्याज भी देते हैं इसमें? हाँ जी, प्याज काट देते हैं, सलाद मिर्ची होता है, मिर्ची का सलाद, मिर्ची फ्राई होता है। अच्छा, फ्राई मिर्ची होती है। हाँ जी। ये 50 रुपए बताया आपने। हाँ, एक प्लेट में 2 परांठे आ जाएंगे? 2 परोठे होता है, दाल होता है,
सलाद होते हैं सर, अचार होते हैं। अच्छा देवन भाई, सबसे पहले बताओ कि टाइमिंग क्या रहती है शॉप की? सुबह 7:30 बजे चालू रहते परोठे सर, सुबह 6 बजे खोल देते हैं। 6 बजे खोल देते हैं, तैयार करने में 1.5 घंटा लग जाते हैं। 7:30 तो शाम तक, कितने बजे तक? शाम को भी बैठते हैं? 10 बजे रात तक होते हैं। तो क्या 24 घंटे आप परांठे बनाते रहते हैं, दाल सब्जी नहीं बनाते? सब्जी दाल के नियम है ना, अभी से लेके बन गया, तैयार हो गए सर। हाँ जी, ये हो गया, बस 3:30-4 बजे तक चलते रहेगा। तो सबसे ज्यादा दीवाने लोग किस चीज के, परांठे के आपके, दाल सब्जी की, रोटी के? परोठे भी है, चावल भी है, सब कुछ खाते हैं। क्या बात है, ये लो भाई साहब परांठों का साइज देख लो, और ये ऑयल फ्री परांठे है ना? हाँ जी, बस हल्का सा बटर लगाते हैं हम। बटर भी हल्का सा लगाते हैं कि भर के लगाते हैं? ज्यादा ही लगा, कम ही लगा रहा हूं। कम ही लगाते हो, क्या बात है भाई। खाते नहीं है, तेल वाला सामान खा के तो बंदे पहले होंठ पर। तेल वाला सामान नहीं खाते लोग है ना? ये लो जी, गर्मा गर्म परांठे निकलते रहते हैं, ये लो और लोग वेट करते रहते हैं कब परांठे आए हमारे पास, हम खाएं और पेट में जाएं। ये लो जी, ये दाल डाल दी आपने? हाँ जी हाँ जी। ये सैलड आ गया? हाँ जी सर। प्याज डालने में कोई कंजूसी नहीं करते? सस्ते हो गए प्याज के? प्याज 30-40 भी है तभी भी खिलाते प्याज। ये लो जी मिर्ची है, ये फ्राई मिर्ची है कि अचार है मिर्ची का? ये फ्राई मिर्ची। और ये किस चीज का तड़का लगा रहे हैं? ये सब्जी का लगा रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं। ये दोपहर के लिए है? दोपहर के लिए। सुबह सुबह क्या शुरुआत रहती है? मैं देख रहा था ये परोंठे बड़े पैक हो रहे थे आपके, ऑर्डर आते रहते हैं? हाँ जी, सुबह चाय परोंठे होता है। और ये टमाटरों की आपकी फैक्ट्री, इतने ढेर सारे अंधाधुंध टमाटर डाल लिया रहे हैं, परवाह नहीं करते? जब महंगे थे टमाटर तब भी डालते थे कि ऐसे सस्ते में डाल रहे हैं? तभी भी डालते रहते भाई, तभी डालते हैं। अब कितने रुपए किलो का टमाटर? अभी हो गए 30-40 हो गए, 30-40 रुपए किलो। 200-250 रुपए किलो के डाले। क्या बात है। देवन मंडल, तो आप शुरू से चंडीगढ़ के हैं कि कहीं और से आए थे? आए थे, मैं बाहर से हूँ, मैं चंडीगढ़ में 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। दीवानगी फैला रखी है पूरे बैठक वाले ढाबे की? हाँ जी। दोपहर में सब्जी हो गए, चावल हो गए, दाल हो गए, अच्छा परोठे हो गए, जो परोठे खाना, परोठे जैसे एक थाली होगी, एक थाली में क्या क्या मिल जाएगा? एक दाल, एक सब्जी? एक दाल, एक सब्जी, चावल, अच्छा रोटी। क्या बात है। और प्राइस क्या रहता है जी इसका? इसका 50 रुपये प्लेट। 50 रुपये। और जैसे और कुछ खाना हो, किसी ने और लेना हो तो? कोई बात, जो खाना एक्स्ट्रा दे देगा उसमें। अच्छा, एक्स्ट्रा के कोई चार्जेस नहीं है? एक्स्ट्रा का 10 रुपये लगाए तो ऊपर से। क्या बात है, आपने सेटअप बड़ा जबरदस्त लगाया। यहाँ नहीं बैठते, यहाँ बैठ के नहीं बनाते? यहीं बैठ के बनाते सर। यहीं बैठ के बनाते हैं? अभी खड़े हुए हैं आप, हैं थक गए होंगे बैठ बैठ के? नहीं, अभी खाना बना रहे हैं ना। तो रोमा देख लो, मेरे ख्याल से आप जो 2 किलो दाल बना रहे हैं तो घंटे में खत्म हो जाती होगी? नहीं, काम के ऊपर है, कभी के दम से लग जाता है, कभी लग जाता है। आपके तड़का सारा दाल और सब्जी के लिए बना रहे हैं? सब्जी के लिए बना रहे हैं। सब्जी के लिए बना रहे ना? प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, टमाटर डाल दिया। भाई आपने तो जैसे पूरे गांव में जैसे बनता है ना खाना, वैसी फीलिंग फैला रखी है ना, इसलिए लोग यहाँ पर, शहर वाले लोग आपके पास आते हैं खाने के लिए। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है भाई साहब। अब क्या डालेंगे इसके बाद? बस मसाले डालेंगे। मसाले डालेंगे? मसाले कहाँ से लेके आते हैं? सब्जी से लेकर आ रही है। ये खुद तो नहीं बनाते? नहीं नहीं, खुद बना ले लेते, वहाँ से पिसा लेते हल्दी। अच्छा, ये लो जी हल्दी आ गई। एटमोसफेयर देखेंगे, पूरा गाँव वाला है, विलेज वाला है, पर है ये चंडीगढ़ में जी, है ना शहर में। हाँ जी हाँ जी। ये गरम मसाला आ गया जी? ये धनिया पाउडर है। अच्छा, धनिया पाउडर आ गया, ये गरम मसाला। आप तो अंदाजे से ही पा लेते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये गरम मसाला आ गया जी? हाँ जी हाँ जी। ये कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी आ गई, क्या बात है भाई साहब। अब ये थोड़ा सा पानी डालकर आपने तड़का लगा दिया। तो दिन में कितने बंदे आए थे अगर आपका काम सही चल रहा होता है खाने के लिए? ज्यादा लोग सुबह आते हैं कि दिन में आते खाने के लिए? लंच में ही आते ज्यादातर। ज्यादातर लंच में आते ना? हाँ जी। ये देखो जी ग्रेवी देख लो एक बार। अच्छा देवन मंडल भाई, अब ये सब्जी किस चीज की बना रहे हो आप, पहले ये बताएं? ये तोरी की सब्जी बना रहे हैं। तोरी की सब्जी, क्या बात है भाई साहब। तो जो लोग, जो बच्चे और जो जवान बूढ़े जो भी हैं, तोरी की सब्जी घर में नहीं खाते, यहाँ पर जरूर खाने के लिए आते हैं ना? जरूर खाते। तो ऐसे खास मसाले भी डालते हैं कुछ? जादू 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 वाले मसाले नहीं, सारे खड़े मसाले डाल देते हैं। खड़े मसाले डालते हैं, वैसे तंदूर का टेस्ट होता है। हाँ जी हाँ जी। और आपका बनाने का जो हाथ में स्वाद दे रखा हुआ है ना? हाँ जी। तो रोज ही सब्जी तोरी बनाते हैं आप? नहीं नहीं, डेली चेंज होकर बनता है। डेली चेंज होती है? तो कभी पनीर पनीर भी खिलाते हैं? मन होता है बना देते हैं, कुछ बात नहीं। अच्छा मन होता है, क्या बात है। अच्छा जिस दिन मन ना हो तो आप नहीं बनाते हैं पनीर? पहली सब्जी बनाने जा रहे हैं ना अभी, तो आपने वो भी बनानी है, दाल भी बनानी है ना? दाल बन गई है। अच्छा दाल बन गई है, ये तोरी की सब्जी बन गई। ये टोटल कितनी होगी जी सब्जी? ये सब्जी है 10 किलो। 10 किलो सब्जी, क्या बात है। तोरी के भी आपने दीवाने कर दिए, जो लोग तोरी नहीं खाते थे। ऐसी थोड़ी ना, आपका नाम देवन मंडल भाई है कि नहीं? क्या बात है भाई साहब। यूपी से कहाँ पर रहने वाले हैं आप? हम सब बिहार से हैं। बिहार से, सॉरी, कहाँ से रहने वाले हैं? मधुबनी जिला। तो वहाँ से भी लोग आते हैं आपके पास खाने के लिए कि नहीं? चंडीगढ़ काफी बंदे हैं। अब जो ये भाई लोग बैठे हैं, ये खाने की वेट कर रहे हैं? ये लो जी खाने की वेट कर रहे हैं। दीवाना बना रखा आपने तंदूर वाले खाने का? अच्छा पाजी मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ छेद कर रखा है तंदूर के, ये किस चीज के लिए? ये इसका ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन पास होता है। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, बिना ऑक्सीजन का तो चलते नहीं भाई। तो ये सामने आपके यहाँ हॉस्पिटल भी है? हाँ जी हाँ जी। तो डॉक्टर लोग भी आपने दीवाने कर रखे कि नहीं? सब आते खाने के लिए। सब आते खाने के लिए।
तो यहीं पर खाने के लिए आते हैं बस। हाँ जी भाजी नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाओ। अच्छा ये बताइए, आपको घर में परांठे नहीं मिलते, आप यहाँ पर खाने के लिए आए हैं? नहीं, टेस्ट चेंज करने के लिए आए थे। अच्छा टेस्ट चेंज करने के लिए, तो आप मैरिड हैं? हाँ जी मैरिड है। तो भाभी जी के हाथ के परांठे पसंद नहीं आपको? नहीं नहीं बहुत पसंद है उनके भी हाथ के, पर ये बंदे बहुत बढ़िया है नेचर। अच्छा ये बंदे बहुत बढ़िया है, इसलिए आप स्पेशल खाने के लिए आते हैं क्या? पहले प्रोग्राम बन जाता है कि सुबह नहीं बनाना तो वही वही से ले आना। कितनी रेटिंग देना चाहोगे आप इनको? रेटिंग तो सर इनके दिल के हिसाब से तो फुल है। फुल है? हाँ जी 10 out of 10। हाँ 11/12 नहीं? नहीं 12 भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर की वजह से परांठे खाने आते हैं। नेचर की वजह से परांठे खाने आते हैं, स्वाद की वजह से नहीं। स्वाद तो बहुत है जी। अच्छा स्वाद भी है, नेचर भी बढ़िया। बंदे ये बढ़िया हो ना फिर बंदा वहाँ बैठ करता है मन। अच्छा जी क्या बात है, चलो आप खाइए परांठा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। थैंक यू जी। देवन भाई आपने हमें टाइम दिया, बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है ना। आप परांठे बनाते रहिए और खिलाते रहिए। और इसके बाद कुछ सोचा आपने, रेस्टोरेंट बनाने की सोची है? यही बहुत है भाई जी, यही बहुत है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो और ये भाई लोग हैं आपके जो साथ बैठे हैं? ये छोटे ब्रदर है, छोटे ब्रदर है। चलो थैंक यू जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओके जी।